こんにちは、防弾少年団です。ラジオ防弾少年団。हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहां पे होंगे सेफ होंगे। सो टुडे इज टॉपिक अबाउट सम रूल्स रेगुलेशन इन के पॉप इंडस्ट्री और आप के पॉप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो पार्ट वन था इसका और ये पार्ट टू है। तो पार्ट वन में मैंने कवर किया है कि ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो आपको के पॉप में जाननी चाहिए अगर आप के पॉप में जा रहे हैं या के पॉप को पसंद भी करते हैं तो आपको वो जान लेनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताऊंगी और उसके साथ साथ ही मैं बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार अगर आप के पॉप आइडल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एजेंसीज, जो एंटरटेनमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप विदाउट किसी भी परमिशन के कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं और अपने फैमिली से भी नहीं मिल सकते हैं और कहीं पर पार्टी नहीं कर सकते हैं। आप सेल्फ से अगर कुछ करना चाहते हैं, लाइक अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं, सेल्फ का कोई ब्रांड नहीं कर सकते विदाउट कोई भी परमिशन। खाना, उठना, रहना, बैठना, सोना, सारी चीज़ें एजेंसी के हाथ में होती हैं कि वो आपको कैसे ट्रीट करती हैं और आपको उसी के अंडर में रहकर काम करना पड़ता है। सो जिन लोगों को लगता है कि आसान है, सो आसान भी है लेकिन कठिन भी है। अगर आप कभी किसी के अंडर में रहकर काम नहीं किए हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि BTS मेंबर के पास कोई भी पर्सनल सोशल मीडिया चैनल नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम पे भी वो पर्सनली नहीं है। जितने भी सारे अकाउंट हैं वो बिग हिट एंटरटेनमेंट के थ्रू ही चीज़ें चलती हैं और उनके जो फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल होते हैं वो बिग हिट एंटरटेनमेंट के थ्रू ही वायरल होते हैं। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या नाम है, BTS के पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है सोशल मीडिया पर। सो ये था उसका आंसर। आई होप कि आपको उसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट वन इज के पॉप इंटरटेनमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो ब्यूटी और फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। अगर आप फिट नहीं हैं तो आप चाहे जितना अच्छे से डांस कर लें और गा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपीयरेंस इज मस्ट। जितना पॉसिबल हो सके उतना ऑनलाइन और लाइव ऑडिशन के लिए अप्लाई करते रहें, ये चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी हैं। अब ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन और लाइव ऑडिशन क्या होते हैं। सो ऑनलाइन ऑडिशन विच इज कॉल्ड ईमेल ऑडिशन, लाइव ऑडिशन विच इज ओपन रिक्वायरमेंट ऑडिशन। सो लाइव ऑडिशन ऑनलाइन ऑडिशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि इसके लिए आपको कोरिया जाना पड़ता है अगर आप फॉरनर हैं तो, एंड ट्रेवल में तो आपको पता ही होगा खर्चा तो है ही। एंड अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन देना चाहते हैं तो इसके लिए कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनीज के वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा और जाना होगा। टाइम टू टाइम विजिट करते रहें और चेक करते रहें कि एजेंसियां कब अपने ऑडिशन को स्टार्ट करती हैं, किस टाइम स्टार्ट करती हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साइट पर अपलोड होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी टॉप 4 एजेंसियाँ हैं जो ज़्यादातर ऑडिशन करवाती हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ बिग हिट एंटरटेनमेंट। बिग हिट एंटरटेनमेंट से याद ही हो गया होगा BTS। सो BTS में मुझे लगता है ज़्यादातर गर्ल्स को ऑडिशन के लिए नहीं प्रिफर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो नेक्स्ट वन इज़ JYP एंटरटेनमेंट, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ SM एंटरटेनमेंट एंड द फोर्थ वन इज़ YG एंटरटेनमेंट। सो ये चार हैं जो ज़्यादा फेमस हैं ऑडिशन के लिए। सो आप इन चारों में अप्लाई कर सकते हैं और अनदर में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो द नेक्स्ट वन इज़ हाउ कैन आई अप्लाई। सो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ऑडिशन अप्लीकेशन फिल करना होता है जो जनरली एक इंफॉर्मेशन होता है आपके बारे में, लाइक एज रेज्यूमे। जब आप सिलेक्ट होते हैं तो ऑडिशन के लिए आपको बुलाया जाता है। फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड देन आपको दो सॉन्ग गाने के लिए कहेंगे जिसमें से एक इंग्लिश होगा और एक कोरियन होगा, वो तो मस्ट है। रैपिंग भी करने के लिए कहेंगे तो आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कॉल के थ्रू आपको राउंड टू के लिए बुलाए जाएंगे और वो आपको बुलाएंगे वहाँ पर। अगर आप राउंड टू के लिए ग्रुप में परफॉर्मेंस करते हैं तो ये श्योर कर लें कि कौन क्या क्या लेगा, लाइक कौन रैपिंग करेगा, कौन डांसिंग करेगा, ताकि वहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठ सके सभी के बीच में।
सो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं वो लाइव ऑडिशन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, तो आप कोई भी उसमें से कोई भी इंटरनेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले तो आपको ऑडिशन अप्लीकेशन फिल करना होता है जिसमें आपका जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, उसको फिल करके अपलोड करें एंड देन अपना प्रोफाइल पिक अपलोड करें, और 2 मिनट में आपका कोई रैपिंग सॉन्ग होना चाहिए, सिंगिंग और डांसिंग का सॉन्ग होना चाहिए जिस पर आप डांसिंग करते हो, ये वीडियो भी आप उसमें अपलोड डेफिनेटली करें। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है सो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ये थी सारी चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे कवर कर देनी चाहिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और डेफिनेटली आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अनदर सेशन में किसी अनदर टॉपिक पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।